हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर जो देखो हमारा सेक्शन चल रहा है, बेसिकली टॉपिक चल रहा है कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन, जिसके अंदर हम कर रहे हैं अभी पहला टाइप के पहला पार्ट फिक्स्ड पार्टीशनिंग। वहां पे हम क्या करेंगे आज, पार्टीशन एलोकेशन एल्गोरिथम। देखो अभी तक हमने ये देख लिया कि कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन क्या होती है, बेसिकली जहां पे हमने क्या देखा था कॉन्टिगुअस नाम क्यों रखा गया, देन उसके अंदर हमने पहला टाइप देखा फिक्स्ड पार्टीशनिंग, उसका नाम फिक्स्ड पार्टीशनिंग क्यों रखा गया। देन अब हम क्या देखेंगे कि जो मेमोरी के अंदर हमने पार्टीशन कर दिए हैं, जो फिक्स्ड पार्टीशन है उसके अंदर कैसे एलोकेशन करनी है, मतलब जो प्रोसेस डिमांड कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको मेमोरी में जगह दो ताकि वो रन हो सके, उसको कैसे लाके हमें एलोकेट कराना है, उसके हमने क्या कर रहे हैं डिफरेंट मेथड देखेंगे, क्या क्या एल्गोरिथम है या क्या टेक्निक्स है वो हमें देखनी है। तो हम वो देख रहे हैं, साथ साथ एक एग्जांपल देखेंगे ताकि थोड़ा सा अच्छे से कंसेप्ट और समझ में आ जाए, ठीक है जी। तो सबसे पहला इसके अंदर आता है फर्स्ट फिट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ये काम कैसे करता है, इसके अंदर क्या होता है कि मैं जितने भी पार्टीशन है ना ये बिल्कुल स्टार्टिंग से चालू हो जाएगा एक एक करके, और जैसे ही इसको वो मेमोरी एलोकेशन मिल जाएगी जिसके अंदर ये जो डिमांड आई है, जो रिक्वेस्ट आई है ना मेमोरी की प्रोसेस की, उसको फिट कर सके। दोबारा समझो कि स्कैन कहां से करेगा, सर्चिंग कहां से करेगा, पहले से जहां से खाली है मतलब पहले से, ठीक है, और वहां पे आके रुक जाएगा जैसे ही उसको वो पार्टीशन मिल जाए, इतने साइज का पार्टीशन मिल जाए जिसमें वो क्या कर सके, जो मेरे पास रिक्वेस्ट आई है मेमोरी की प्रोसेस से उसको फिट कर सके। भाई लड़कियां देखनी शुरू कर रहे हैं शादी के लिए, जैसे इसको अपने मतलब की मिलेगी जिसके साथ वो लगता है कि हाँ जिंदगी बिता सके उसके साथ शादी कर लेगा, मतलब भाई इसके साथ फिट हो जाएगा, सीधी सी बात है, फर्स्ट फिट। ओके नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट फिट, पहले की तो हो गई अब नेक्स्ट को फिट करना है, तो ये चक्कर कैसे चलाता देखो, ये कहता है कि चलूंगा तो मैं फर्स्ट फिट की तरह ही, कि अगर सारी खाली बैठी है तो स्टार्टिंग से ही चालू करूंगा, ठीक है जी। जैसे ही पहली भर जाएगी ना, भाई बड़े भाई की शादी हो गई है अब मैं चालू करूंगा, तो मैं उसके आगे की जो कहते हैं पहली चॉइस भाई की है, भाई ने जिससे शादी कर ली, अब मैं उसके बाद बची हुई जो मेरे पास रिश्ते आए हैं उसमें से किसी को देखूंगा, तो वही चीज है। सपोज कर लो भाई की शादी 65 वाले प्लेस में हो गई, अब बचे हुए प्लेस में वो कैसे देखेगा, अब चालू हो जाएगा इसके बाद से, 65 के बाद से नेक्स्ट फिट, इसके बाद से चालू होगा फर्स्ट फिट के बाद। अब क्या करेगा, सेम वही तरीका है कि जैसे उसको उसके हिसाब की वो मिल जाएगी जिससे वो फिट हो सके, उसके साथ वो क्या कर लेगा, वहां पे हम अपने प्रोसेस को एलोकेट कर देंगे, ठीक है जी। फर्स्ट फिट नेक्स्ट फिट समझ के दो जुड़वा भाई कैसे चल रहे हैं। अब आता है बेस्ट फिट। अब ये क्या करेगा बंदा, जितनी भी सारी की सारी एलोकेशन है सबको देख लेगा एक बार, भी सब पे सारे रिश्ते देख लिए एक बार, अब क्या कर रहा है कि जौन सी उसको बेस्ट लगेगी, जिसके साथ उसको लगेगा कि मेरा झगड़ा कम होगा, जिंदगी सही बिता पाऊंगा बिल्कुल अच्छे से, उसके साथ जाके क्या करेगा, शादी करेगा। अब ये कंसेप्ट कैसे आता बेस्ट फिट में, इस पे वो देखेगा कि वो सारी की सारी सर्च कर ली, चेक कर ली कौन सी खाली और सारी की सारी देख ली, अब किस में कौन से पे पार्टीशन में मेमोरी को एलोकेट कराएगा या किस पार्टीशन में प्रोसेस को एलोकेट कराएगा, उसमें कराएगा जिसमें कम से कम वेस्टेज हो, देखी जाए तो मतलब कंपैरिजन करेगा जिस जो बिल्कुल क्लोजेस्ट मिलेगी ना साइज के हिसाब से उसके साथ जाके फिट हो जाएगा, मतलब जिसके साथ सबसे ज्यादा इसके गुण मिलेंगे ना, शादी के गुण होते हैं, उसके साथ जाके फिट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वर्स्ट फिट, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। वर्स्ट फिट में क्या होगा, बेस्ट फिट की तरह ही चलेगा, देखेगा तो सारी मगर ये अपनी जिंदगी से परेशान है, नाम रखा हुआ इसलिए वर्स्ट फिट। अब इसको लगेगा कि जिसके साथ मेरे सबसे ज्यादा झगड़े होंगे, नुकसान होंगे, क्लेश होंगे, मुझे उसी से शादी करनी है। सेम वर्स्ट फिट क्या करेगा, देखेगा सभी को मगर किसको मेमोरी एलोकेट करेगा, कौन से प्रोसेस को, जिसके अंदर मेमोरी और प्रोसेस के साइज जो रिक्वेस्टेड साइज है गैप सबसे ज्यादा हो, उसके साथ जाके क्या करेगा, फिटिंग कर देगा भाई, सेटिंग कर लेगा अपनी, सीधी सी बात, वहां जाके अपने प्रोसेस में मेमोरी एलोकेट करा देगा, ठीक है जी।
इतना समझ में आया आई थिंक। अब आगे चलता है, देखो वीडियो को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट बनाना पड़ता, नहीं तो यो पढ़ पढ़ के तो सारे पागल हो जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट आना चाहिए। अब मेरे पास ये एक एग्जांपल है, प्रोसेस है 5 जिसकी रिक्वायरमेंट है 70, 50, 60, 30, 18, ये MB मान लो, KB मान लो, अभी हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, अभी हम एक एक को पकड़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से चल रहे हैं, ठीक है जी। तो पहला हम पकड़ेंगे फर्स्ट फिट को, कि देखते हैं कि ये एल्गोरिथम किस चीज में फर्स्ट फिट है। ओके चलो, पहला नंबर देना है प्रोसेस 70 की जगह चाहिए, पहले से चालू हो जाएगा, नहीं मिला, दूसरे चालू हुआ, नहीं मिला, तीसरे पे आके इसको लगा कि हाँ भाई ये फिटिंग मेरी हो रही है, आगे मूव नहीं करेगा, क्या बोला था, सार एक एक करके स्कैन करेगा और जैसे इसको उसकी फिटिंग के हिसाब से, साइज के हिसाब से मिल जाएगा उसी टाइम वो डाल देगा। तो 70 यहाँ पे को मेडिटेट कर देंगे, आगे नहीं देखेगा, आगे चाहे उसको 70 एग्जैक्टली मिले बट नहीं देखना, जैसे ही पहले टाइम इसको मिला जाके इसने क्या किया, वहां पे 70 को रख दिया। देखो अब 70 मेरा यहाँ पे आ गया, अब 70 इसमें से माइनस कर दो, मान लो 15, तो ये 15 मेरी क्या हो गई यहाँ पे, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है जी, 15 की मेरी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ओके आगे चलते हैं, PQ 55 फर्स्ट फिट स्टार्टिंग से शुरू हो जाएगा, 55 आ सकता, पहले ही मिल गया तो 55 यहां पे डाला, ठीक है जी, और 55 के बाद कितनी जगह बची, 10, तो वो मेरी क्या हो गई यहां पे, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है जी, ये मेरी 10 हो गई इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। आगे चलो 60 स्टार्ट तो जाएगा, स्टार्टिंग से भर गई, 20 में नहीं आ सकता, इसमें नहीं आ सकता, भरी हुई है, 60 खाली हो गया, 60 को जगह नहीं मिलेगी। अब आगे चलते हैं, किसी और प्रोसेस को देखते हैं, 30 इसमें नहीं आ सकता, इसमें नहीं आ सकता, इसमें नहीं आ सकता, 30 आ गया, इसमें आ जाएगा 30 पहले, और अच्छी भी है बिल्कुल, जहां पे क्या है वेस्टेज ही नहीं है, सबसे बेस्ट मिली इसको, ठीक है तरीके से। P5 स्टार्ट होगा यहां से, और क्या मिली यहां पे, इसको जगह मिल गई 18, मगर वेस्टेज कितने की आई, 2 की, ठीक है जी। तो अब क्या हुआ, मेरी ये बची हुई है, इसे क्या कहूंगा, क्योंकि फीडिंग नहीं हो रही, तो अभी पहले एक स्टेप के लिए मेरे लिए क्या है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, टोटल की टोटल, हालांकि एक्सटर्नल फ्रेगमेंट टोटल की टोटल ही होती है, आधी दूरी तो हमारी इंटरनल होती है, ठीक है, ये होगी मेरी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। निशान लगा देता हूं, सिंबल बना देता हूं, ये क्या है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है जी। और दूसरा मेरे पास जो पिंक वाली है, ये है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। जिसने ये वीडियो ना देखी, मैंने लास्ट टाइम पूरी की पूरी वीडियो बनाई थी, डिफरेंस बताया था, एग्जांपल लिए थे, तो कर लेना अच्छे से, ठीक है। एक बार आगे चलते, फर्स्ट फिट के बाद आता है नेक्स्ट फिट करेंगे, अब नेक्स्ट फिट क्या कहता है कि पहले, सबसे पहले एलोकेट कैसे करवाएगा, स्टेप कैसे लेगा फर्स्ट फिट की तरह। तो 70 है, 70 किसके अंदर आएगा, इसके अंदर, 70 इसमें डाल दी मैंने, ये मेरी सेम कितनी हो गई, 15 की इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब क्या करेगा, अब उसको पता है कि मैं आगे सर्चिंग कैसे करूंगा, यहां से स्टार्ट करूंगा, उसका पॉइंटर यहां पे आ गया है, ठीक है जी, पॉइंटर यूज करते हैं जो बताएगा नेक्स्ट फिट के अंदर कि अब तुझे अगली सर्चिंग यहां से करनी है। 55 आएगा, 55 यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, तो क्या करेगा, घूम के जाएगा, 55 कहां आएगा, अब ऊपर, ठीक है जी, आगे करो। ये अपने बच्चे क्या सोचते हैं, गलती भी कर देते हैं, वो सोचते हैं यहां तक आ गया, अब मैं सर्चिंग नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा भाई, आगे जाके रोटेट करना है ना, एक तरीके से साइकिल पे हमें चलना है, उसमें सिर्फ नेक्स्ट फिट पे ये कहा गया है कि आपको अपनी सर्चिंग कहां से स्टार्ट करनी है, उसने ये भी कहा कि आपको स्टॉप कहां करनी है, स्टार्ट कहां से करनी है। 55 आ गया, तो 55 अब मैं क्या करूंगा, यहां पे डालूंगा, ठीक है जी, और मेरी ये क्या होगी, 10 की इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट आया 60 का, पॉइंटर मेरा यहां पे, इसमें नहीं डलेगी, इसमें नहीं डलेगी, इसमें नहीं, इसमें नहीं, फिर रोटेट करेंगे, अब मेरी 60 कहीं नहीं डल सकती। नेक्स्ट आया 30 का, तो एक तरीके से मेरी लास्ट कहां थी, यहां पे, तो इसे चालू करूंगा, 30 आई ना, 30 आई, यहां पे नहीं आ सकती, यहां पे नहीं आ सकती, यहां पे आ जाएगी, पूरी की पूरी यूज होगी। 30 के बाद 18,
18 कहां डालूंगा, कितनी वेस्टेज आई, 15 16 17 की वेस्टेज आई, आ गई जी। और एक होगी मेरी इसके अंदर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि 60 का जब जगह खाली होगी इसको तभी देंगे, पहले स्टेप के लिए मेरी इंटरनल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन देख लीजिए। आगे बढ़े जी, अब आता है नेक्स्ट फिट के बाद बेस्ट फिट। अब देखते हैं बेस्ट फिट मतलब सब सारी सर्च करेगा और जो बेस्ट मिलेगी, जिसमें गैप कम मिलेगा, जिसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अगर कहा जाए लॉजिकल वे में कम मिलेगी, ठीक है, तभी इसका नाम बेस्ट रखा गया। 70 ढूंढेगा किसमें बेस्ट फिट होगी, सारी चेक करेगा सब में गैप कहां मिलेगा, सो कम यहां पे एक ही मिली जहां पे उसको डाल सकता है वो, तो ये हो गई 70। अगर मैं कोई एग्जांपल लेता 85 के साथ, एक और ले लेता 72 74 75 कोई भी ले लेता, तब 70 को उसमें फिट करते वहां पे और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कम होती है हमारी, ठीक है। पंद्रह की इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब आता है 55 का नंबर, सारी सर्च करेगा जितनी अवेलेबल है 55 कहां पे फिट होगी, 55 मेरी सिर्फ इसी में ही फिट होगी। थोड़ा एग्जांपल मैंने शायद ऐसा ले लिया कि सेम सेम आ रही है, बट समवेयर आपको डिफरेंस दिखना अपने आप शुरू हो जाएगा, ठीक है। 55 मेरी फिट हुई यहां पे, कितने की आ गई, सेम 10 की आएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आता है 60 P3 का नंबर। 60 देखो किसके अंदर जाएगा, 60 किसी के अंदर जा ही नहीं रहा बेचारा, अभी इसको छोड़ दो, ये भी मेरी क्या हो गई एक तरीके से यूज नहीं हुआ अभी। 30 का नंबर था, 30 सबसे सही फिट मेरा किसके अंदर होगा, यहां पे, ठीक है जी, कोई मेरी स्किप में कोई फ्रेगमेंटेशन आई ही नहीं। अगला आया 18, सबसे बेस्ट फिट किसके अंदर होगा, इसके अंदर सबसे ज्यादा सही रिजल्ट मेरे को यहां मिलेगा, 2 की फ्रेगमेंटेशन आई, ठीक है जी। तो यहां पे आप देख सकते हो बेस्ट फिट जो होता है सबसे कम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हमें देता है, ठीक है जी। तो ये था हमारा, अभी इसके अंदर मैं वो लगा लेता हूं, हालांकि देखो अभी मैं एक चीज बता देता हूं आपको, मैं आप कंपेयर करोगे इससे और इसको तो आप कहोगे कि सेम है, बट एग्जांपल थोड़ा सा ऐसा है ये जिसमें सेम आ रही है, बट बेस्ट फिट का रीजन ही मतलब नाम ही इसलिए रखा गया क्योंकि वो सबसे कम फ्रेगमेंटेशन देता है इंटरनल की, क्योंकि चेकिंग ही उसकी ऐसे होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब मेरे पास आया वर्स्ट फिट, दुनिया से परेशान। अब देखो इसमें क्या होगा, वर्स्ट फिट के अंदर सारी सर्च करेगा और जो गैप सबसे ज्यादा, जिसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन सबसे ज्यादा होगी उसको जगह देगा। 75 सबसे ज्यादा जब गैप किसमें मिलेगा उसको, अगर वो इसमें फिट करेगा, हालांकि हमारे पास एग्जांपल यही है, 85 की जगह मान लो कोई 100 होता तो वो 100 में डाल देता, फिर क्या करते वापस सबसे ज्यादा गैप मिलता, इसलिए वो अभी एग्जांपल में हमारे पास एक ही है तो उसमें डाल रहा हूं मैं, ठीक है। इसके अंदर आ गई 70 ना, पंद्रह का गैप हो गया, ठीक है जी। फिर आता है 55, 55 देखो किसके अंदर डालेगा, सबसे ज्यादा गैप किसके अंदर मिलेगा इसको, इसके अंदर, फिर आ गया नंबर 60 का, 60 किसमें डाले, 60 को तो जगह ही नहीं मिल रही, जब कोई खाली होगा तभी देखेंगे। 30 किसमें डालेगा, 30 डालेगा वो इसके अंदर, क्योंकि इसको इसमें ज्यादा गैप मिलेगा, तो ये होगी 5 की। 30 के बाद नंबर आया 18 का, 18 किसमें डालेगा, 20 में, इसमें सबसे ज्यादा वेस्टेज किसके अंदर है, इसके अंदर, समझ में आया इसका ना, सॉरी गलत डाल दिया, ठीक है जी। तो यहां पे देखो वेस्टेज हुई 12 की, यहां पे 5 की, सबसे ज्यादा वेस्टेज देखोगे तो इसी के अंदर हो रही है, और मेरी जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कौन सी आई, ये, इसलिए इनके नाम पड़े हैं इंटरनल, सॉरी फर्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट। आप सोचोगे कि अगर वर्स्ट फिट इतना ही वर्स्ट है तो इसको यूज क्यों कर रहे, क्या कर रहे हैं, रीजन बता दो कि फिक्स्ड पार्टीशनिंग के बाद हमारे पास कंसेप्ट आता है
वेरिएबल पार्टिशनिंग का, डायनेमिक पार्टिशनिंग का, वहां पे सबसे अच्छा रिजल्ट वर्स्ट फिट आपको निकाल के देगा। इसलिए इसको हम, ये बेसिकली बना उसी के लिए था, ठीक है जी। तो ये थे हमारे फर्स्ट नेक्स्ट बेस्ट फर्स्ट फिट। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा किस तरीके से चलना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज 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 लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें तो एक ही सेकेंड लगता है बस आपको प्रेस करना है, और जो सब्सक्राइब करे तो बट एक रिक्वेस्ट है, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम क्या देखेंगे अब प्रोटेक्शन की, किस तरीके से अब हम एक यूजर प्रोग्राम को दूसरे यूजर प्रोग्राम में जाने से रोकेंगे। बहुत जरूरी है, जिसने पिछली वीडियो देखी हमने देखा था कि हमारे पास जब कंसेप्ट था तो हम कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को बचाते थे। अब थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे अपने कुछ हार्डवेयर में, रजिस्टर्स में, अपनी प्रोग्रामिंग में, और कैसे बचाएंगे नेक्स्ट टाइम आपको पता चलेगा कि लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, बेस रजिस्टर, ये लिमिट रजिस्टर या बेस एड्रेस, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे, थैंक यू एंड टेक केयर, बाय दोस्तों। मैं भी पानी पी के मुँह धो के कपड़े चेंज करके आता हूँ, ठीक है, थैंक्स दोस्तों।